Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Waiz Karni, and today we are going to start the Orthodox Caliphate. This is the first video of the Orthodox Caliphate in which we have learned, or we will learn, Hazrat Abu Bakr Siddiq and Hazrat Umar. In our second part, we will learn Hazrat Usman A. Ghani and Hazrat Ali Karmullah Wajho Raziyallahu Ta'ala Anha. ठीक है जी, तो आज हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर पढ़ेंगे. तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. नंबर वन जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे और उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को. तो सबसे पहले जी, रियल नेम ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाज अब्दुल्ला. ठीक है, रियल नेम हज़रत अबू बकर का क्या था? अब्दुल्ला. पैदा हुए थे मक्का के अंदर 572. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे 571 के अंदर. ठीक है जी, तो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साल छोटे थे. ये बात अपने जहन में बिठा लें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साल छोटे थे. ही बिलोंग टू बनू तीम ऑफ कुरैश, मतलब इनका जो कबीला था बनू तीम था, या बनू तईम भी इसे कहते हैं. फादर का नाम था कहीफा बिन अमर. कहीफा बिन अमर, बिन जो है वो वालिद के लिए मतलब बेटा, और बिनते मतलब बेटी. ठीक है जी, तो मदर का नाम था सलमा बिनते जखर. अब्बू का नाम था कहीफा बिन अमर और मदर का नाम था सलमा बिनते जखर. अब्बू का नाम लाजमी तौर पे याद करें, क्योंकि टेस्ट के अंदर अब्बू का नाम को जो है अक्सर पूछा जाता है, तो ये लाजमी तौर पे याद करें. उसके बाद ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम, ये पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था. ही वाज बाय प्रोफेशन, वो प्रोफेशन के लिहाज से क्या थे जी? ट्रेडेड क्लॉथ थे, कपड़े का कारोबार किया करते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. और जी, ही स्पेंड 3 days इन गारे सौर विद द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो जी, ये वही सहाबी थे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर के अंदर 3 दिन गुजारे थे. तो सवाल टेस्ट में यह आ सकता है, ये नहीं आएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके साथ गुजारे थे गारे सौर में, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है. याद आपने क्या करना है, याद आपने ये करना है कि 3 days गुजारे थे, 3 दिन गुजारे थे, क्योंकि 3 दिन जहन से निकल जाएंगे पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक जहन में बिल्कुल हर किसी को याद होगा जो पढ़ने वाला बच्चा है. ठीक है जी, अब जब 3 दिन वहाँ पर थे तो उसका सोर्स क्या था? ठीक है, इन कैव सोर मिल्क इज़ द ओनली सोर्स ऑफ फूड. तो जी, ओनली सोर्स जो थी वो क्या थी जी? वो ओनली जो है दूध था. ठीक है, दूध उनको मिलता था वहाँ पे. हज़रत अबू बकर सिद्दीक का एक ग़ुलाम था, वो वहाँ पे गारे सौर के अंदर 3 दिन तक दूध देता रहा है, जिसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ज़िंदा रहे हैं. उसके बाद हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज फ्रीड बाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. ठीक है जी, बिलाल हबशी को आज़ाद करवाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे. सिद्दीक गॉट आफ्टर फर्स्ट टेस्टिफाई द इवेंट ऑफ मिराज. तो जी, सिद्दीक जो है वो जी लकब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक का. सिद्दीक का लकब कब मिला था? जब इन्होंने बिना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे जो है मेराज की तस्दीक कर दी थी. किस तरह जी, मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को कहा था कि मैं एक ही रात के कुछ पहर में जो है मक्का से गया हूँ मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद अक्सा से मैं गया हूँ सात आसमान तक, सिदरतुल मुंतहा तक, और फिर मैं वापसी आया हूँ राज के कुछ पहर में. तो जब मक्का वालों ने उसको मानने से इनकार कर दिया, और फिर वही लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, और अभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले नहीं थे, उनको किसी चीज़ की खबर नहीं थी. तो लोगों ने जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पूछना शुरू किया कि अगर कोई शख्स कहे कि मैं रात के कुछ पहर में मक्का से मस्जिद बैतुल मक़दस और बैतुल मक़दस से सातों आसमान का सफ़र करके आया हूँ, तो क्या आप मान लेंगे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था नहीं, मैं नहीं मानूंगा. तो उन्होंने आगे से फिर कुफार ने कहा, तो फिर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके रसूल हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कह रहे हैं. तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था हाँ, अगर वो कह रहे हैं तो इसमें 100% सदाकत होगी, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते. तो इस इवेंट की जो उन्होंने इसके टेस्टिफाई किया था, इसके बाद उनको टाइटल मिला था सिद्दीक. और हज़रत अबू बकर सिद्दीक पनिश द मुस्लिमा कज़्ज़ाब फॉर द फेस क्लेमेंट, मतलब
झूठा ख़त्म नबूवत का, झूठी नबूवत का दावा करने वाले थे मुस्लिमा कज़्ज़ाब, उनको जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सज़ा दी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर 2 साल 3 महीने 1 दिन रहा है। अप्रॉक्सीमेटली अगर पूछा जाए 2 साल लिखा हो तो 2 साल भी सही है, बट अगर मंथ और डेज़ में आ जाए तो फिर ये एग्जैक्ट मंथ और डेज़ हैं, 2 ईयर्स 3 मंथ्स 1 डे। डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैरिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जो बेटी थी जिनका नाम था हज़रत हफ्सा, हज़रत आयशा, जिनका नाम था हज़रत आयशा, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली थी, अज़वाजुल मुताहरात थी। ठीक है जी, एट द एज ऑफ द डेथ अबू बकर सिद्दीक वाज 63 ईयर्स ओल्ड। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की भी 63 ईयर्स ओल्ड है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद ये कब इस दुनिया से फौत हुए थे, तो 634 AD के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाज नो मोर विद द मुस्लिम्स। उसके बाद जी इनको कहाँ दफनाया गया है, इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बराबर में ही दफनाया गया है, मतलब हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारक के अंदर। अतीक इनका एपिथेट है। उसके बाद 5 सहाबाज इंक्लूड इन अशरा मुबशरा एम्ब्रेस्ड इस्लाम ऑन द गाइडेंस ऑफ हिम। अशरा मुबशरा के अंदर 5 सहाबी ऐसे हैं जो कि हम अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो जी अशरा मुबशरा के अंदर 5 सहाबी ऐसे हैं जो इस्लाम जिन्होंने कबूल किया, किसके कहने पे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के कहने पे। ही कमीशन हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फॉर द कम्प्लीटेशन ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की कम्प्लीटेशन या कंपाइलेशन के पीछे हुक्म देने वाले कौन थे, हज़रत ज़ैद को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ही सेंट आर्मी हज़रत उसामा बिन ज़ैद अगेंस्ट द बेंजेंटाइन फोर्सेज टू सीरिया। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद करना है। बैटल ऑफ यरमूक वाज द लास्ट वॉर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बैटल ऑफ यरमूक जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की लास्ट जंग है। सीरिया कंकर्ड इन 633 AD, जो शाम है जहाँ पे बैटल ऑफ हमारे पास खैबर हुई थी। खैबर के तकरीबन जो है वो सीरिया के बॉर्डर के पास है, जैसा कि हमने पहले पिछली क्लास में भी पढ़ा था, मदीना से 200 किलोमीटर दूर है। तो उनको कंकर्ड किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने। एट द टाइम ऑफ गज़वा तबूक ही गेव ऑल हिज बिलोंगिंग्स। तो गज़वा तबूक के ऊपर हर सहाबी ने, हज़रत उस्मान गनी ने बहुत बड़ा अपनी जो है माल दौलत के अंदर से हिस्सा दिया था, हज़रत उमर ने आधा दिया था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना सारा कुछ ही बैटल ऑफ तबूक के मकाम के ऊपर, वक्त के ऊपर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया था। ही परचेज्ड लैंड फॉर मस्जिद नबवी। ठीक है जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो परचेज़ किया है मस्जिद नबवी के लिए जगह। वार ऑफ अपोस्टेसी वाज फॉट। अपोस्टेसी का मतलब होता है झूठे नबूवत के दावेदार। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनके ख़िलाफ़ क्या है जी, जंग लड़ी थी। सज्जा वाज द फेल्स प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू बनू तमीम। तमीम तो जो शज्जा थी, शज्जा जो थी वो लेडी थी। ठीक है जी, ये एक जो है वो कौन थी, लेडी थी जिसने ख़त्म नबूवत का ऐलान किया था, मतलब नबूवत का ऐलान किया था कि मैं भी नबी हूँ। उसके बाद मुस्लिमा कज़्ज़ाब जो थे वो बनू हनीफा से बिलोंग करते थे, जिनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो है पनिश भी किया था। असवद अंसी फेल्स प्रॉफिट इन यमन। असवद अंसी भी जो है झूठे नबूवत के दावेदार थे, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो यमन से बिलोंग करते थे। उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड मुस्लिमा अ लॉयर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिमा कज़्ज़ाब को तो कहा था ये झूठा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक शेप्ड बैतुल माल एंड एस्टैब्लिश्ड कैंटोनमेंट एंड मेंटेन फोर्सेस। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द रेन ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक। एस्टैब्लिश्ड और शेप्ड बैतुल माल कैंटोनमेंट एज वेल एज फोर्सेज। ही आल्सो कॉल्ड सीवियर ऑफ इस्लाम। ठीक है, सीवियर ऑफ इस्लाम कौन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ही सेटल द इशू ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का जो मसला था उसको सॉल्व करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। अब ये जो चीज़ है ये आपने याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ही सेड आई शैल फाइट अगेंस्ट द पीपल हु डिस्टिंग्विश बिटवीन सलात एंड ज़कात। जो नमाज और ज़कात में कोई फ़र्क नहीं करते या जो जिनको अदा नहीं करते
कहते हैं मैं उनके खिलाफ क्या करूंगा, जंग लड़ूंगा। ये किसने कहा था? अब यहाँ पे वार ऑफ अपोस्टेसी के ऊपर आता है कि जी वो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लड़ी थी, और उसके अलावा सलात और ज़कात जो नहीं देगा, जो इसमें फ़र्क नहीं करेगा, उसके खिलाफ भी कौन जी जंग करेगा, कौन लड़ेगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अमर बिन फहीरा फ्रीड बाय हिम, मतलब ये भी एक गुलाम थे जिनको फ्री करने वाले, आज़ाद करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज़ द इमाम इन द लास्ट डेज ऑफ हिम, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़िंदगी के आखिरी दौर चल रहे थे, तो उस टाइम के ऊपर जो है इमाम कौन थे? जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तबीयत ख़राब थी तो उस टाइम पे इमाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक के आखिरी वक्त चल रहा था, जब वो बहुत बीमार थे और वो नमाज़ पढ़ाने की उनमें ताकत और सकत नहीं थी, तो उस टाइम पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो इमामत करवाया करते थे, और हज़रत अली वाजदा इमाम ऑफ हिज जनाजा, मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो जनाजा पढ़ाने वाले कौन थे? हज़रत अली करमुल्ला वजहो। तो अब हम चलते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो इस्लाम के दूसरे खुलफाए राशिदीन हैं, ठीक है जी, दूसरे खुलफाए राशिदीन। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज़ बॉर्न इन 583 AD इन मक्का। तो जो हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो मदीना के अंदर जो हैं पैदा हुए हैं। तो मैं एक और आपको पॉइंट यहाँ पे याद करवा दूँ कि जी हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मक्का के अंदर पैदा हुए हैं, बट सिर्फ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना के अंदर पैदा हुए हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली करमुल्ला वजहो सारे के सारे मक्का में पैदा हुए हैं, बट हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो मदीना में पैदा हुए हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट। ही बिलोंग टू बनू आदि, इनका एपिथेट था फारूक आज़म, मदर का नाम था हातमा, और फादर थे जैसे उमर बिन खत्ताब तो खत्ताब बिन नफ़ैल, ठीक है जी। ही इम्प्रेस इस्लाम एट द 33 years, और ये तो आपको जो किस्सा है वो बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कत्ल करने के जो है इरादे से निकले थे, और मक्के की गलियों के अंदर जा रहे थे, तो पूछने वाले ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था कि ए उमर कहाँ चल दिए, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था उस टाइम पर मुसलमान नहीं हुए थे कि मैं आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्ला जो है कत्ल कर दूंगा। तो पूछने वाले ने पूछा कि आपने क्यों कत्ल करना है जी, तो क्यों, क्या किया हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा? तो कहते हैं वो लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं जो कि हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो हमारे बाप दादा के दीन के ख़िलाफ़ है, तो मैं आज उनको कत्ल कर दूंगा नाउज़ु बिल्ला। तो कहने वाले ने कहा था जाइए पहले अपने जो है बहन के घर तो जाके देखिए आपके बहन ने और उनके शौहर ने क्या है इस्लाम कबूल कर लिया है। तो एकदम गुस्से से लाल हो गए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपको पता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गुस्सा कितना ख़तरनाक था। तो वो जी एकदम जो है अपनी बहन की घर की तरफ जाते हैं, और उनकी बहन का नाम है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी बहन का नाम है, और उनके शौहर का नाम है हज़रत सईद बिन जैद, जो कि अशरा मुबशरा के अंदर है, ठीक है, अशरा मुबशरा के अंदर है। नेक्स्ट वीडियो हमारी उसके अंदर हम अशरा मुबशरा को कवर करेंगे। तो हज़रत सईद बिन जैद जो हैं वो अशरा मुबशरा के अंदर है, और उनकी जो घर वाली हैं वो हज़रत उमर की बेटी, हज़रत उमर की बहन हैं, ठीक है जी। तो वो इस्लाम ले आते हैं, और वो सूरह तौहा की कुछ आयत पढ़ रहे होते हैं, तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कान में वो चीज़ पड़ती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एकदम जो हैं उन जाके पूछते हैं कि आप लोग क्या तिलावत कर रहे थे, और इन द एंड फिर उनकी जो बहन है वो उनको तिलावत सुनाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल नरम पड़ जाता है, और इन द एंड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो ये था टर्निंग पॉइंट, और उस टाइम पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 33 years थी, ठीक है जी। उसके बाद आर्चरी वाज़ द मेन ट्रेड्स ऑफ हिज करेक्टर, तो आर्चरी जो है वो जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था वो मेन करेक्टर था। ही एडेड टू मोर तकबीर्स इन टू अज़ान,
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम किसने ऐड किया है फजर की नमाज़ के अंदर? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। और जी दो जो हैं अजानें किसने ऐड की हैं? वो हज़रत उस्मान ने। काफ़ी किताबों के अंदर ये चीज़ गलत लिखी होती है, काइंडली इसको अपने जहन से निकाल लीजिए और इसको याद कर लीजिए। उसके बाद जी ही फॉर्म्ड 6 डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ही स्टार्टेड नमाज तरावी। और ये भी एक सवाल है कि नमाज तरावी किसने स्टार्ट की है? तो नमाज तरावी स्टार्ट करने वाले हज़रत उमर हैं। ही वाज़ द फर्स्ट हु अज्यूम द टाइटल ऑफ अमीरुल मोमिनीन। तो अमीरुल मोमिनीन का सबसे पहला जो टाइटल है वो लेने वाले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। बिफोर हिम 40 मैन एम्ब्रेस्ड इस्लाम, इनसे पहले 40 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। एंड 15 वुमेन बिफोर हिज एक्सेप्टेड इस्लाम, और 15 औरतों ने। मुस्लिम प्रेड ओपनली आफ्टर हिज एम्ब्रेसिंग इस्लाम, जब इन्होंने इस्लाम ले आए तो मुसलमान जो थे वो जो है ओपनली इबादत करने लग गए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल करने के बाद फ़ौरन ये कहा था कि आज के बाद मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के दायरे में दाखिल हो चुके हैं। तो उमर का इस्लाम लाने का कोई फायदा नहीं अगर मुसलमान छुप छुप के इबादत करें। तो जी बरीद नियर हज़रत अबू बकर शिराइन, ये भी कहाँ है जी? हज़रत आयशा के हुजरे के अंदर। अब इनको शहीद करने वाले थे अबू लोलो फिरोज़, तो इनकी शहादत हुई है फर्स्ट मुहर्रम के ऊपर 24 हिजरी के अंदर। ठीक है जी, ये याद रखिएगा फर्स्ट मुहर्रम के ऊपर टेस्ट के अंदर अक्सर ये सवाल आते हैं कि शहादत कब हुई है और शहीद करने वाला कौन है? अबू लोलो फिरोज़। और बाद में इसने ख़ुदकुशी कर ली थी, पागल हो गया था। टोटल स्पैन जो फजर की नमाज के अंदर हुआ था ये वाक़या, फजर की नमाज के अंदर जो अबू लोलो फिरोज़ है वो महराब जो होता है जो महराब के पीछे छुपा हुआ था, जिसके ऊपर जो है इमाम साहब बैठ के खुतबा देते हैं, तो उसके पीछे थोड़ी सी जगह थी वहाँ पे छुपा हुआ था। और जैसे ही नमाज के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ना फजर की नमाज पढ़ाने आए तो वहाँ पे उसने उनके हाथ में स्टील रॉड्स थी, उससे जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ना को शहीद किया था। ठीक है, नमाज की हालत के अंदर हज़रत हफ्सा सिस्टर ऑफ उमर गॉट मैरिड टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी हज़रत आयशा, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब दोनों ही खुलफ़ाए राशिदीन की एक की बेटी और एक की बहन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली थी। हज़रत हफ्सा जो हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी। फारूक मीन्स डिस्टिंग्विशर, मतलब तफरीक करने वाला। हज़रत उमर इस्टेब्लिश्ड इस्लामिक कैलेंडर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लामिक कैलेंडर इस्टेब्लिश्ड किया था। उसके बाद जी अंडर हिज कैलिफ इराक कैम्प अंडर द मुस्लिम डेंसिटी, इनकी खिलाफत के अंदर इराक जो है वो मुस्लिम डेंसिटी के अंदर आया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत के अंदर सीरिया जो है वो मुस्लिम डेंसिटी के अंदर आया था। ठीक है जी, मुसलमानों की कस्टडी के अंदर आ गया था, मतलब उधर हुकूमत मुसलमानों की होना शुरू हो गई थी। इसी तरह ही हज़रत उमर इस्टेब्लिश द मिल्ट्री कैंटोमेंट, स्टार्ट करने वाले थे कैंटोमेंट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, और इनको बाकायदा इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने अलग अलग जगहों के अंदर कूफा बसरा के ऊपर मिल्ट्री कैंटोमेंट एस्टैब्लिश करवाए थे। हज़रत उमर एस्टैब्लिश रेगुलर मस्जिद शूरा इंक्लूडिंग मुहाजर और अंसार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ना आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड मजलिस अवाम, मतलब मजलिस अवाम के साथ जो भी मुशावरत होती है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ना ने स्टार्ट की थी। एस्टैब्लिश जेल सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, जेल सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस को बनाने वाले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। ही डिवाइडेड मिल्ट्री इनटू कैवलरी और इन्फेंट्री, कैवलरी और इन्फेंट्री के अंदर मिल्ट्री को डिवाइड करने वाले भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेड द लॉ दैट नो अरब रेजिडेंट कुड एक्वायर लैंड ऑन द कंक्वर्ड टेरिटरी। ठीक है, ये एक उस वक्त के अंदर एक प्रॉब्लम हो रही थी जिसको मद्देनज़र रखते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये फैसला लिया था। उसके बाद ही डिवोटेड अटेंशन टू टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग की तरफ। देखिए आज हम टाउन प्लानिंग करते हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ना उस वक्त के अंदर टाउन प्लानिंग कर रहे थे। एंड सिटीज़ ऑफ कूफा एंड बसरा बिल्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर टाउन प्लानिंग, ठीक है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ना की, क्योंकि मिल्ट्री कैंटोनमेंट यहाँ पर बनाए गए थे तो यहाँ पर पूरी टाउन प्लानिंग के साथ जो है सिटीज़ को बनाया गया था। ओल्ड एज पेंशन वॉज इस्टेब्लिश बाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।
मतलब जो पेंशन जो देने वाला निज़ाम है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुतारिफ़ करवाया था। जो लोग कहते हैं, जो बहुत बातें करते हैं, तो आप ये देख लें कि उस वक्त के अंदर इस तरह की सोच रखने वाले थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि आज के काफ़ी इंसानों की भी सोच नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं। द सिस्टम ऑफ सेंसस, ठीक है, ऑफ मुस्लिम्स आल्सो इस्टेब्लिश। देखें, बहबूदे आबादी मतलब आबादी को काउंट करना, सेंसस को भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन थे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सीक्रेट पुलिस को फाउंडर किया था, फाउंडर थे, ठीक है, इस सीक्रेट पुलिस को फाउंड किया था कि राज जाने जाएं और जो है पता चल सके कि दुश्मन कहाँ पे हरकत कर रहा है, क्या कर रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गेव हिज हाफ इज़ बिलोंगिंग इन द बैटल ऑफ तबूक। तबूक के मकाम पे अपना आधा जो है, जो भी आपकी बिलोंगिंग्स थी वो आपने दी थी। ही इन्फोर्स शरिया एक्टिवली। शरीयत को एक्टिव करने वाले कौन थे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, मतलब एक्टिव थे बहुत। और उसके बाद एज मैंने आपको पहले ही बताई थी, 63 ईयर्स। हज़रत एज भी बता दूँ, हज़रत अबू बकर की, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली करमुल्ला वजह, सब की उम्र 63 63 साल है, ठीक है। सिर्फ हज़रत उस्मान गनी की उम्र जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है जी। और इसी तरह ही हज़रत उमर जो है वो मदीना में पैदा हुए हैं, बाकी सब के सब कहाँ पैदा हुए हैं? मक्का के अंदर पैदा हुए हैं। उसके बाद जी मैनी सहाबा कास्ट डेथ ड्यू टू द प्लेग, ठीक है, एक जो है बीमारी आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे सहाबा की मौत हो गई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंसिस्टेड हज़रत अबू बकर सिद्दीक फॉर द कलेक्शन ऑफ द कुरानिक स्क्रिप्ट। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर को जो है उनको ज़ोर देते थे कि जो कुरान पाक है उसको एक साथ इकट्ठा किया जाए, फिर जिसकी ज़िम्मेदारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत जैद को लगाई थी। इन 16 हिजरी इस्लामिक कैलेंडर वॉज इशूड। ही डिवाइडेड मुस्लिम एम्पायर इन टू 10 प्रोवेंसेज। ही टुक चार्ज ऑफ कैलिफ वैन वॉर्स वर इन द प्रोग्रेस इन इराक एंड सीरिया, ठीक है। ही टुक चार्ज ऑफ कैलिफ, वो कैलिफ का चार्ज देते थे जब भी जो हैं कौन, जब वो खुलफाए राशिदीन नहीं थे, मतलब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, तो तब वो जो हैं इराक और जब सीरिया के ऊपर जब हमला हो रहा था तो तब इन्होंने चार्ज लिया था एज अ कैलिफ का। एक्सेप्टेड इस्लाम एट द एज ऑफ 33 ईयर्स, ठीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्रपोज्ड द एनी ऑफ अबू बकर फॉर कैलिफ, मतलब उनका नाम जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम सेलेक्ट किया था कि ये फ़र्स्ट कैलिफ होने चाहिए। हज़रत अली करमुल्ला वजह वाज अपॉइंटेड एज अ डिप्टी बाय हज़रत उमर वेन एवर ही वेंट आउट ऑफ मदीना। देखें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब भी कभी बाहर जाते थे तो पीछे उनके डिप्टी कौन होते थे? हज़रत अली करमुल्ला वजह। इन हिज़ रेन अरेबिया वाज फ्रीड फ्राम ज्यूज़, मतलब इनके दौरे खिलाफत के अंदर जो सऊदी अरब था, अरब था असल में, ख़ास तौर पर वो यहूदियों से पाक हो चुका था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। होपफुली यू हैव लर्न अलॉट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट विद अवर न्यू वीडियो। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज़।